आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास नाइन्थ के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे हिंदी काव्यखंड का जो पांचवा पाठ है, यानी जो लेशन पाँच है, पंचवटी शीर्षक पाठ, जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। और इस पाठ का जो पहला पद्यांश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसका हम आपको संदर्भ, सबसे सरल व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें पांचवा पाठ जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है पंचवटी, इसका भी वीडियो उपलब्ध करा दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको पंचवटी शीर्षक पाठ का पहले पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताएंगे। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ लिखने का तरीका हमने आपको कई वीडियोस के द्वारा बताया है, आपने देखा होगा, तो आप अच्छे से संदर्भ लिख सकते हैं। प्रथम के, यानी जिस भी पद्यांश का आप संदर्भ लिखें, उसके प्रथम के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को सेम इस तरह से लिखना है। यहां पर आप देख सकते हैं चारु चंद ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, और यह पहला जो है पद्यांश है, चारु चंद्र लिखा हुआ है और अंतिम के शब्द लिखे हुए हैं के झोंकों से, के झोंकों से। इसके बाद आपको हेडिंग डालना होता है संदर्भ। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब आप अपनी नोट्स बनाएंगे, जी हाँ, जब आप अपनी नोट्स बनाएंगे तब आपकी विधिवत पढ़ाई होगी, क्योंकि लिखने से आधा याद होता है और आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप वीडियो देखने के साथ साथ अपनी नोट्स भी बनाते चलें, ताकि आपकी जो तैयारी है हिंदी विषय की विधिवत और सटीक ढंग से होती रहे। और मैं आपको प्रत्येक चैप्टर से, जी हाँ, मैं आपके प्रत्येक चैप्टर से वीडियो लेकर आऊँगा, चाहे वो हिंदी का काव्य खंड हो, चाहे वो गद्य खंड हो अथवा संस्कृत खंड हो, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको रेगुलर वीडियो इसी तरह से मिलते रहेंगी और आपकी विधिवत तैयारी हम इस चैनल के द्वारा कराते रहेंगे। और आप अपनी नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक की पंचवटी, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक की पंचवटी शीर्षक कविता से लिया गया है। जो प्रस्तुत पद्यांश है, यह हमारी पाठ पुस्तक हिंदी की कह सकते हैं या पाठ पुस्तक की पंचवटी शीर्षक कविता से लिया गया है। यानी पाठ का नाम क्या है, पंचवटी, शीर्षक का नाम क्या है, पंचवटी है। और इसे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के पंचवटी नामक काव्य से अवतरित किया गया है। और जो यह पंचवटी शीर्षक कविता है, यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से नवाजा गया था, या इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, या आप कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। और इनका जो कविता संग्रह है, अर्थात काव्य संग्रह है, जिसका नाम क्या है, पंचवटी, उसी से यह शीर्षक लिया गया है। और आप ध्यान देंगे संदर्भ लिखते समय, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की पंचवटी शीर्षक का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और साथ ही यहां पर मैथिली शरण गुप्त जी का जो काव्य है पंचवटी, उससे लिया गया है, इसीलिए उसका भी नाम यहां पर मैंने ब्लैक पेन से ही लिखा हुआ है। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, और प्रसंग में क्या लिखा जाता है, प्रसंग में जो पद्यांश के अंतर्गत बताया गया हो। तो यहां पर कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। इस पद्यांश के द्वारा मैथिली शरण
चरण गुप्त जी ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। पंचवटी का जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने कैसा चित्रण किया है, सजीव चित्रण किया है। तो प्रसंग कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कि पंचवटी की शोभा का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वहां पर प्राकृतिक छटा कुछ इस तरह से थी कि चारु चंद की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। वह क्या कर रही थी, जल और थल में फैली हुई थी, अर्थात जल और थल में कीड़ा अर्थात खेल रही थी। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में, और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में। क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि धरती और आकाश में निर्मल चांदनी बिछी हुई थी, धरती और आकाश में अवनि अर्थात धरती पर और अंबर अर्थात आकाश में स्वच्छ और निर्मल चांदनी बिछी हुई थी। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। गुप्त जी कहते हैं कि इस मधुर वातावरण में लगता है कि पृथ्वी पुलकित हो उठी है, इस मधुर वातावरण में ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पुलकित हो उठी है अर्थात प्रसन्न हो उठी है, और हरित तृणों की नोकों से और हरी हरी घास की नोक ही उसके रोमांच हैं, और हरित तृणों की नोकों से और हरी हरी घास की नोक ही उसके क्या हैं, रोमांच करने के साधन हैं। और मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मंद मंद गति से सुगंधित वायु चल रही है, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से, मंद मंद सुगंधित वायु चल रही है, जिस कारण से ऐसा लग रहा है कि वहां के जितने भी वृक्ष हैं सभी झूम रहे थे अर्थात झूम रहे हैं। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इस तरह से आपको व्याख्या हेडिंग डालना है, और क्या हो जाएगी व्याख्या कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं, अर्थात सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में कीड़ा कर रही थी, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि धरती और आकाश में निर्मल चांदनी बिछी हुई थी, धरती और आकाश में कैसी चांदनी बिछी हुई थी, स्वच्छ और निर्मल चांदनी बिछी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सारी प्राकृतिक छटा पंचवटी में ही विद्यमान है। और गुप्त जी कहते हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और इस मधुर वातावरण में लगता है कि पृथ्वी पुलकित हो उठी है, और इस मधुर वातावरण में ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पुलकित हो उठी है और हरित तृणों की नोकों से, और वह हरी हरी घास की नोक ही उसके रोमांच हैं, और जो हरी हरी घास के नोक हैं वो ही उसके रोमांच हैं। और क्या कहते हैं गुप्त जी कि मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। तो क्या हो जाएगी व्याख्या कि मंद मंद गति से सुगंधित वायु चल रही थी, और उस समय मंद मंद गति से सुगंधित वायु चल रही थी, और मंद वायु के झोंकों से मस्त हो करके वृक्ष भी मानो झूम रहे थे, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से, मंद मंद वायु चल रही थी, जिस कारण से ऐसा लग रहा था कि मानो वृक्ष भी उस सुगंधित वायु के साथ झूम रहे हो। तो इसकी व्याख्या
कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा, तो काव्यगत सौंदर्य आप इस तरह से हेडिंग आपको डालना है और पहला बिंदु लिखा जाता है जो पद्यांश के अंतर्गत दर्शाया गया हो, यानी जिसका वर्णन पद्यांश में किया गया हो। तो यहाँ पर गुप्त जी ने प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है। कहाँ की प्रकृति का? पंचवटी की प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है। और अगला बिंदु है भाषा, तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो यह कविता है पंचवटी शीर्षक पाठ है, इसकी भाषा क्या है? चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस पद्यांश की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। भाषा क्या है? खड़ी बोली है। और अगला बिंदु है रस, तो यहाँ पर रस कौन सा है? अद्भुत रस है, क्योंकि प्रकृति की छटा का मैथिली शरण गुप्त जी ने सजीव वर्णन किया है, इसलिए अद्भुत रस हो जाएगा यहाँ पर। और अगला बिंदु है छंद, तो यहाँ पर नाटक नामक मात्रिक छंद है। और अगला बिंदु है अलंकार, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है तथा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहां पर एक वर्ण या अक्षर की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पर चावल अथवा अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और अगला है रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। और अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है या पहचान क्या है? तो हम आपको पहचान बता देते हैं कि जहां पर मनुमानो जनुजानो मनहु जनहु आदि वाचक शब्द जिस भी पद्यांश के अंतर्गत या किसी भी पंक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और दिए गए पद्यांश में आप देख सकते हैं मानो झूम रहे हैं तरु भी, यहां पर मानो शब्द जो कि आ चुका है और यह उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो इस तरह से आप दिए गए पद्यांश का संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं, व्याख्या आसानी से लिख सकते हैं और काव्यगत सौंदर्य भी आसानी से लिख सकते हैं। और आप चैनल के साथ जुड़ करके अपनी विधिवत और बिल्कुल सटीक तरीके से यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करते रहें ताकि आपके साथ साथ हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, नोट्स बनाते रहें। जय हिंद।